YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो आखिर वो पल आ ही गया जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। एक लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि कब किम जोंग उन और ट्रंप की मुलाकात होगी, क्योंकि पहले भी ट्विटर के जरिए ये चर्चा काफी ज्यादा हो गई थी कि इन दोनों की मुलाकात होने वाली है। लेकिन उसके बाद ट्रंप ने एक तगड़ा झटका किम जोंग को दे दिया था, जिसके बाद वो मुलाकात उनकी रद्द कर दी गई थी, कैंसिल हो गई थी मीटिंग, जिसके बाद अब उनकी मुलाकात हुई है। सिंगापुर में ये मुलाकात हुई है। साथ ही आपको बता दें 50 मिनट तक ये मुलाकात हुई और इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, दोनों देशों के संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाने को लेकर भी चर्चा हुई। तो क्या कुछ बातें हुई है यहाँ पर, चलिए आपको बताते हैं। बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किम से कहा, मुझे विश्वास है कि हम दोनों देशों के संबंध अच्छे होंगे। ट्रंप ने कहा कि वो वास्तव में काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमारी चर्चा और रिश्ते शानदार होने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि वो और किम जोंग उनकी एक बड़ी समस्या और दुविधा का वो समाधान निकाल लेंगे। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने कहा कि हमने इस शिखर सम्मेलन के बारे में सभी प्रकार के संदेह और अटकलों को पार कर लिया है और मेरा मानना है कि ये शांति के लिए काफी अच्छा है। आपको बताते हैं कि ये बैठक ऐतिहासिक क्यों रही। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात कई मायनों में ऐतिहासिक इसलिए कही जा सकती है क्योंकि पहली बार अमेरिका के किसी सिटिंग राष्ट्रपति ने किसी उत्तर कोरियाई नेता से मुलाकात की है और सत्ता संभालने के 7 साल बाद किम जोंग उन ने पहली बार इतनी लंबी विदेश यात्रा की है। तो काफी ज्यादा ऐतिहासिक इस मुलाकात को बताया जा रहा है। दोनों के बीच मुलाकात हुई, दोनों देशों के संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाने को लेकर चर्चा हुई। लेकिन अब देखना होगा कि कितना और वक्त ये मजबूत रह पाते हैं रिश्ते, या फिर जो परमाणु बटन को लेकर दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था वो एक बार फिर से देखने को मिलेगा।